ओके तो भाई क्या आप ऐसा सोच सकते हो, हमें एक ऐसा मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा जहां हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिलेगा? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, सारा खिचड़ी पका है आज के मंडे नाइट रॉक ऊपर। आइए मैं आपको सारा कुछ बताता हूं क्या कुछ हुआ रॉक ऊपर, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉक का स्टार्टिंग भाई हमें रॉक के द्वारा देखने को मिलता है, जो कि भाई अपने आप में बहुत ज्यादा कमाल का चीज। भाई आप लोग देख सकते हैं रॉक जब यहाँ पर जब एंट्रेंस करते तो भाई फाइनल बॉस वाले यहाँ पर मतलब स्क्रीन के ऊपर चलते रहता है। और ऐसे ही भाई अब रोमन रेंज ने भाई फाइनली फाइनल बॉस मान लिया रॉक। रॉक आते हैं भाई, आते के साथ सबसे पहले कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। मैंने यार कोडी रोड्स को जो बोला था मैंने एक्जेक्टली कोडी रोड्स के साथ वही किया। एक चीज मेरे से मिस हो गया कि उस बेल्ट के ऊपर मैंने कोडी रोड्स का ब्लड तो लगा दिया, पर एक चीज अभी मिसिंग है और वो चीज मिसिंग है कि मामा रोड्स का अभी तक आंसू नहीं गया उस बेल्ट के ऊपर। यहाँ पर रॉक समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब कोडी रोड्स रेसलमेनिया के अंदर हार कर वो बोला बेल्ट लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर रोएगी मामा रोड्स। देन उसके बाद भाई फिर यहाँ पर रॉक बोलना शुरू कर देते थे, चलो ठीक है अब बताओ इस पूरे एरिना के अंदर कौन कौन कोडी क्राई बेबी। इस पॉइंट पर भाई कोडी कोडी का चैंट भाई पूरे एरिना के अंदर बहुत बार लग चुके थे। भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़ा हुआ जो कि भाई अपना मतलब पोस्टर लेके खड़े थे कि हाँ मैं हूँ कोडी क्राई बेबी, मैं हूँ कोडी क्राई बेबी। इसके बाद रॉक बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई हम लोग कुछ वीडियो देखते हैं जिसके अंदर एक्चुअली कोडी क्राई बेबी का वीडियो भी निकलकर सामने आया। एक्चुअली भाई वो टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखाते हैं भाई जिसके अंदर कोडी रोड्स के ऊपर भाई बहुत सारे बच्चे लोग रो रही होती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर रॉक ने भाई दो वीडियो दिखाया था जिसके अंदर दो WWE फैंस भाई यहाँ पर रो रही थी बहुत ज्यादा कोडी रोड्स जब मार खाए थे। मतलब रॉक भाई यहाँ पर मतलब नेक्स्ट लेवल पर जा चुके थे। भाई जहाँ पर हो रहा था आज का मंडे नाइट रॉ भाई वो शहर जो था वो ब्रुकलिन का शहर, तो यहाँ पर ब्रुकलिन के लोगों को भी रॉक बहुत ज्यादा सुनाते कि तुम लोग बहुत बड़े खुश नसीब हो कि तूने रॉक को देखा। पिछले मंडे नाइट रॉक ऊपर पूरा 15,000 ऑडियंस आया था जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ। देन उसके बाद भाई रॉक इस बात को बोलते कि मैं कोडी रोड्स के साथ वो हालत करने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। देन उसके बाद भाई रॉक यहाँ पर द फाइनल बॉस इन ब्रुकलिन करके यहाँ पर फ्रेज को यूज भी करते हैं। और फिर रॉक इस बात को बोलते कि भैया मैं यहाँ पर अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और मेरा साथ भी देने के लिए आया। भाई आप लोग इस बात को बिलीव करो भाई, जैसे रोमन रेंस का भाई म्यूजिक खड़ा था भाई सारे ऑडियंस बिल्कुल पागल हो जाते हैं। रेंज करेंट टाइम एक हील करेक्टर है, उसके बावजूद भी भाई आप लोग एरिना के अंदर ऑडियंस का शकल देख सकते हैं। लिटरली मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं भाई, रोमन रेंज करेंट टाइम 4-5 साल से चैंपियन है, पर भाई एक्साइटमेंट लेवल मतलब सेम वही होता है। रोमन रेंज अपना एंट्रेंस कर रहे हैं, पॉल वन अलग हंस रहा है, रोमन रेंज अलग स्माइल करते हुए ब्लड लाइन के साथ अपना एंट्रेंस कर रहे हैं। वो जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट लेवल जो होता है भाई वो पिछले 4-5 साल में भाई और भी ज्यादा बढ़ चुका है। रोमन रेंज भाई मंडे नाइट रॉक ऊपर भाई करीब 1 साल बाद मतलब फिर से आए थे, पिछले साल आए थे इससे। रोमन रेंज भाई यहाँ पर जैसे आते हैं भाई सबसे पहले भाई पूरा ब्रुकलिन शहर को सबसे पहले भाई एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। देन उसके बाद रोमन रेंज बोलते कि मैं जो ये टी शर्ट पहना हुआ इस टी शर्ट के अंदर लिखा हुआ है फैमिली ऑल अबव शायद लिखा हुआ था कुछ ऐसे, तो मतलब मेरे लिए फैमिली सबसे ऊपर है, फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं। देन उसके बाद भाई हमें क्या देखने को मिलता है, सारा जो ऑडियंस वहां पर होता है भाई सारे लोग यहाँ पर ईट ईट का चैंट करना शुरू कर देते हैं। मतलब भैया अगर तुम्हारे लिए फैमिली सबसे बड़ा है तो तुम्हारा ईट कहाँ है, मतलब जेव से तुम्हारे साथ आकर क्यों नहीं है करेंट। रोमन रेंज भाई इसके ऊपर गुस्सा आया था। रोमन रेंज बोलते हैं कि यहाँ पर कोई ईट वगैरह नहीं चलने वाला, अगर तुम बोलोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पहले मैंने यहाँ पर अलग ही टेंशन हो जाता है कि अगर ट्राइबल चीफ भाग गया तो फिर मतलब सारा मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। रोमन रेंज इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। पॉल वन यहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जो वीडियो बना रहा हूं भाई आप लोग एक्साइटमेंट लेवल मेरा समझ सकते हो भाई, कितना कमाल का है मतलब ये मोमेंट था भाई। सारे लोग एक मतलब एक सपना जैसा होता है भाई, रॉक ब्लड लाइन सारे लोग भाई आपको एक रिंग के अंदर देखने को मिले। रोमन रेंज भाई इस बात को बोलते हैं कि ये जो रेसलमेनिया 40 होने वाला है ये मेरा सबसे इजी टाइटल डिफेंस होने वाला है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल मजाक जैसा है। मैं रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट के ऊपर टैग टीम मैच के अंदर रेसल करूंगा, वो डिसाइड करेगा सेकंड नाइट के ऊपर कौन सा रूल होगा। मैं रॉक रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट के ऊपर ही कोडी रोड्स को स्मैश कर देने वाला बुरी तरीके से, जिससे सेकंड नाइट को ऊपर कंपीट भी ना कर पाए। इस तरीके से भाई रोमन रेंज मजाक उड़ाते हैं, इस बात को बोलते हैं कि ब्लड लाइन रूल होने वाला है सेकंड नाइट को। वैसे देन इसके बाद भाई फाइनली हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलेस देखने को मिलते हैं ऑडियंस के बीच से। अगेन भाई आपको पता है जब भी रोमन रेंज और सेथ रॉलेस एक दूसरे के सामने आते तो भाई ये शील्ड वाला ही पोजीशन को यूज करते हैं। जिस तरीके से शील्ड हमेशा आया करता था ऑडियंस के बीच में उसी तरीके से अपना ये एंट्रेंस करते हैं। इसके बाद सेथ रॉलेस इस बात को बोलते हैं कि भैया मैं कोडी रोड्स जैसा नहीं हूं कि मैं रिंग के अंदर आऊं, तुम लोग सारे लोग मुझे मिलकर पेल दो। अगर तुम्हें अगर मेरे पास आना है मुझे मारने के लिए तो जितना भी ब्रुकलिन का जनता सारे के बीच में आना पड़ेगा तुम्हें मुझे मारने के लिए। चलो एक काम करते हैं, एक शो आज ही करवा लेते हैं, मतलब हम लोग रेसलमेनिया का क्यों वेट करें। चलो एक ऑफर देते हैं तुम्हारे सामने, हम लोग आज के शो के ऊपर आज के मंडे नाइट रॉक का मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस और रॉक का मैच हम लोग करवा देते हैं। और भाई जैसे यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस रॉक का मैच को बोला भाई ऑडियंस बिल्कुल पागल हो गया। इस पॉइंट पर भाई सेथ रॉलिंस भाई लिटरली अपना प्रोमो को ही कंप्लीट नहीं किए थे, क्योंकि भाई प्रोमो और भी ज्यादा लंबा था। इसके बाद भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते कि चलो ठीक है भाई अगर रॉक तुम नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो चलो ठीक है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज का मैच देख। रोमन रेंज ने तो मुझे अभी तक हराया नहीं, पर शायद से आज के मंडे नाइट रॉक ऊपर रोमन रेंज शायद से मुझे हरा दे। इसके बाद भाई हमें रॉक की तरफ से रिप्लाई देखने को मिलता है। रॉक इस बात को बोलते कि भैया क्यों अपना सर खुलवाने के चक्कर में, एक ऑलरेडी तुम्हारा फ्रेंड खुलवा चुका है। चलो ठीक है अगर तुम्हें अगर मेरे साथ फाइट करना तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्लान बी होता है। भाई प्लान बी के नाम पर भाई सामने आते हैं सोलो सिकोवा, जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते कि हाँ सेथ रॉलिंस तुम्हें मेरे साथ मैच करना होगा। सेथ रॉलिंस बोलते कि चलो ठीक है भैया एटलीस्ट ब्लड लाइन के किसी मेंबर में इतना तो गुदा है कि मतलब मेरे सामने आकर फाइट कर सके। भाई ये चीज कंफर्म हो चुका है कि भाई आज के शो के मेन इवेंट के अंदर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच देखने को मिलेगा।
भाई उस मैच के अंदर भाई क्या कुछ हो सकता है मेरे से बेहतर आप लोग सारे लोग जानते हैं। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, मेन इवेंट का इंतजार करो। भाई बताओ कैसा लगा आपको आज का मंडे नाइट रॉ। और भाई वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।